वेलकम टू निशा किचन। आज हम बनाएंगे 1 किलो दूध से बर्फी। फर्स्टली हम क्या करेंगे, गैस ऑन कर लेंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और मैं 1 kg दूध से बर्फी बनाऊंगी। अब हम इसके अंदर थोड़ा 1/2 किलो दूध ऐड करेंगे, सारा दूध एकदम से ऐड नहीं करेंगे। और अब हम इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे और इसमें 1/2 कप मैं शुगर यूज़ कर रही हूँ। आप शुगर बाद में भी यूज़ कर सकते हैं या पहले भी डाल सकते हैं। अब इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे। मैंने 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे। दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर का पेस्ट हम इसलिए दूध के अंदर ऐड कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में जो बर्फी मिलती है उसके अंदर बिल्कुल भी दाना नहीं होता और दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए कॉर्नफ्लोर डालने से हमारा दूध काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। अब हम जो बचा हुआ दूध था 1/2 किलो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये मावा की फॉर्म में नहीं आ जाता। 1/2 किलो दूध डालने के बाद दूध काफ़ी हद तक थिक हो गया है, आप देख सकते हो। अभी हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक ये और ज़्यादा थिक नहीं हो जाता। दूध पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है, दूध हमारा पहले से काफ़ी थिक हो गया, मावा की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो मावा निकलना स्टार्ट हो गया हमारा। अभी मैं इसके अंदर 1/4 tablespoon इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 tablespoon हम घी ऐड करेंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा बर्फी का मिश्रण बनके बिल्कुल तैयार है। इसमें पैन को छोड़ दिया, आप देख सकते हो कितना अच्छे से थिक हो गया है। मैंने एक थाली ले लिया, उसके ऊपर बटर पेपर रख लिया और उसको घी से ग्रीस कर लिया। अब हम इस मिश्रण को इसमें निकाल देंगे बटर पेपर में और इसको अच्छे से के मिश्रण को इवनली स्प्रेड कर दिया। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट को इसमें अच्छे से सेट कर दिया। हम बर्फी को सेट होने के लिए 3 या 4 hours के लिए रख देंगे। 3 घंटे बाद हमारी बर्फी अच्छे से सेट होगी, आप देख सकते हो। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। आप नाइफ से, पिज़्ज़ा कटर से, किसी भी चीज़ से कट कर सकते हो, बट मुझे पिज़्ज़ा कटर से इसकी शेप अच्छी आती है इसलिए मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरी बर्फी काटने की उसकी कितनी अच्छे से सेट हो गई है। साइड की आपको साइड की तोड़ के दिखाती हूँ, देखो कितने अच्छे से। अब हम बर्फी को कट करेंगे, आप अपनी मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं बर्फी को। बर्फी बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर, मैं आपको एक बर्फी उठा के दिखाती हूँ कितने अच्छे से सेट हो गया दोनों साइड से, परफेक्ट टेक्सचर।